लोगों की नींद आ रही है। अब सीधा रूम पे जाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि सुबह 5 बजे पहुंच गया। थोड़ा सा नींद पूरा हो जाएगा, सो जाएंगे 4-5 घंटे। उसको दोपहर में भी सो लेंगे, मतलब पूरा दिन सोने का ही प्लान है, उसके अलावा और कुछ प्लान नहीं है। हेलो हेलो, सुबह के 5 बजे पहुंच चुके हैं पूर्णा स्टेशन पे। जिस गाड़ी से आया था वो निकल चुका है, प्लान काफ़ी चेंज हुआ था। जाना था नांदेड़, मतलब पूर्णा से आगे, अब प्लान चेंज हुआ परवनी तक रहने का। तो गाड़ी वहीं पे स्टेबल स्टेबल कर दिए पूरा, और स्टेबल करने के बाद नंदीग्राम से पूर्णा पायलट, थोड़ी देर का रास्ता है परवनी से पायलट, आधे घंटे लगता है एक्सप्रेस ट्रेन से। तो आधे घंटे में पहुंच गए यहाँ पे, और हर कोई यहाँ पे जब भी ब्लॉग शूट करता हूँ तो मुझे देखते रहता है, पर कोई बात नहीं, मैं भी जानबूझ के लोगों में शूट करता हूँ कि आदत हो जाए। तो यहाँ से बस अब सोने जाना है यार, काफ़ी तेज़ नींद आ रहा है, काफ़ी तेज़ नींद आ रहा है क्योंकि आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। पिछला ड्यूटी इधर से औरंगाबाद गए भी थे तो पूरा नाइट गए थे, और उधर से आए भी हैं तो पूरा नाइट आए हैं, और आज सुबह सुबह स्टेशन पूरा शांत है। बस मैं रूम पे जाऊंगा और सो जाऊंगा कि मेरे माइंड में और कछु ना आए, तो सोना ही है। तो सही टाइम पे पहुँचे 5 बजे, तो रूम पे जाके फ्रेश व्रेश होके 6 बजे तक कैसे भी सो जाएंगे, तो 4-5 घंटे तो सो लेंगे। पता नहीं विवेक रूम पे था, मैं वहाँ से निकलने से पहले कॉल किया था, तो अभी का मुझे पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तुम लोगों से मिलूंगा मैं सो के, जगने के बाद फिर बातें करेंगे। अभी तब तक के लिए, सारे लोग टेक्नीशियन हैं जो कि नाइट ड्यूटी करके अपने अपने घर जा रहे हैं, कम से कम 14 हैं। और मुझे कैसे पता, क्योंकि ये लोग 14 चाय पिए हैं यहाँ पे, अभी बोल के गए 14 चाय। तो सारे लोग टेक्नीशियन हैं और नाइट ड्यूटी करके सब लोग जा रहे हैं। तो जिनको LP नहीं मिलता उनको टेक्नीशियन मिलता है, इसलिए मैंने टेक्नीशियन भी दिखा दिया। ये लोग, ये यूनिफॉर्म होता है टेक्नीशियन का, ये वाला पूरा। टाइम हो रहा है 5:30। मैं आया तो उधर खटखट बर्तन का आवाज नीचे मुझे सुनाई दे दिया, तो पता चल गया किसी न किसी का ड्यूटी तो लगा होगा। ड्यूटी नहीं लगता तो बोलो, खाना थोड़ी नहीं बनता। सुबह के 6 बजे पहुंच चुका हूँ मैं रूम पे, 6 बजे नहीं 6:30 बजे, और विजय के साथ दुखद घटना हो चुका कि इसको जाना था। ट्रेन कैंसिल हो गया, मतलब भरे भरे खाना वाना बनाओ फिर ट्रेन कैंसिल हो गया, तो मेहनत बर्बाद हो फीलिंग आता है। कोई बात नहीं, मैं तो सही टाइम पे पहुंच गया, कुछ भी करे उसको बस खाना वाना बनाएगा। और ट्रेन पेंडिंग हो गया, पता नहीं कब जाएगा। और मैं चला अब सोने, और जो भी होगा जगने के बाद बताते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अभी के लिए बस सो जाएंगे। मेरे घर ट्रेन कैंसिल हो गया इसलिए गुस्से में है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे लोगों से जगने के बाद। तो लोग भाई लोग, सुबह सुबह लगभग 6 बजे आके सो गए थे मस्त मज़ा लेके, नींद खुला है हमारा 1 बजे। तब तक खाना वाना बना के विवेक रेडी कर चुका था, तो मैं बस जगा हूँ, ब्रश भी नहीं किया हूँ और खाना खा लिया हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज लगा हुआ था। रात को ही खा के निकले थे 7 बजे के आसपास। और यार कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन सोए से निकल जाता है, जैसे आज का भी आधा दिन सोए ही निकल गया। तो अभी जगे जाएंगे, चाय पियेंगे, खाना तो खा चुके हैं फिर भी चाय पियेंगे। और ये कल अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में मैं बाल खराब कर लिया था, खुद ही से सोच रहा था ठीक कर लूँ, लेकिन खराब हो गया। कभी कभी टैलेंट गड़बड़ हो जाता है, तो
जा रहे हैं, इसको ठीक करवाएंगे। वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है लेकिन ठीक करवा लेंगे। और थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गया, बकरे जैसा लग रहा है, तो इसको भी ठीक करवा लेंगे। और देखते हैं और क्या क्या करना है। 11 दिन निकल चुका है, रात के 9 बजे अवेलेबल हो रहे हैं, उसके बाद पता नहीं। 9:30 बजे अवेलेबल हो रहे हैं, 5:30 बजे ऑफ कर चुके हैं। तो आज के लोको पायलट काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है कि बाबू अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो रूम पे जाके सबसे पहला काम बकरा या मीट खाया करो। अब लग क्यों सर? बोले कि असर नहीं पड़ता है, जो नाइट ड्यूटी में थोड़ा ताकत खत्म होता है ना वो वापस आ जाता है। मैं सोच रहा हूँ शाम को बकरा खाया जाए। सजेशन दिए हैं सर तो सही बोले होंगे। अभी तो जा रहे हैं, बाल बाल ठीक करा के आते हैं, तो मिलते हैं तुम लोगों से चाय पीने के बाद। और ये एक हम लोग रूम में परमानेंटली रिंगटोन बज रहा है जब भी हवा चल रहा है, तो काफ़ी मीठा आवाज़ है। विजय लाया है इसको, अब ये नहीं है पता कहाँ से लाया है लेकिन लाया है। ये कितने का है? ये लेना पड़ेगा, ये पकड़ना आना इसको, ऐसे कैसे लगाना है? बस ऐसे ही, ये छूटना नहीं हाथ से, इधर गिर जाएगा, खतरनाक है। स्टार्ट मत करना, छूट जाएगा मुझे। एक लेना पड़ेगा लग रहा है। नहीं, खुद का खुद भी ज्यादा नहीं जमता, कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, खराब कर लिया इसलिए सुधरवाने आना पड़ा। मैं ये खुद ही खराब कर लिया था, हाथ से घुमाया मैंने तो खराब हो गया था, तो अभी ठीक लग रहा है। भाई साहब मसाज करवा के मूड रिफ्रेस हो गया। अगर वो मशीन ऐसे हाथ में लगा के चलाने वाला, मैं खुद अगर चलाने आता तो मैं पक्का खरीद लेता, इतना मज़ा आया। तो पूरा नींद जो आ रहा था मेरा, 6-7 घंटे सो लिया था फिर भी नींद आ रहा था, लेकिन अभी नींद खुल गया एकदम मज़ेदार। तो अब रूम पे जाके बस नहा धो के बाल भी ठीक करवा ही लिया। तो वो मशीन में देखता हूँ, अगर उसका अच्छा वर्जन आता है जो मुझे चलाने आएगा मैं पक्का ले लूँगा। अभी देखता हूँ मैं उसको, काफ़ी मज़ेदार था यार। तो ये वाला मेरा फ़ोन ऑफ था, सुबह 6 बजे से आया हूँ और ये ऑफ ही है। तो अभी मुझे ध्यान आएगा, अच्छा 9 बजे अवेलेबल हो रहे हैं तो इसको ऑन कर देना चाहिए, नहीं तो पकौड़े लग जाएंगे। तो जैसे कि हमारे लोको पायलट साहब ने बताया था, तो मैंने अपना मटन बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। अभी इसकी मम्मी को बोलूंगा मैं, आके मटन मांग रहा था, कहाँ है? तुम क्या बोला, आके थोड़ी सब्जी मुझे भी देना बोला ना तुम? अरे यार मजाक मत करो अंकल, अभी तुम्हारी मम्मी को मैं बोलूंगा। तो ये जैन है और इनके पूरे परिवार ऐसे मटन ये सब नहीं खाते, और ये आके मेरे से बोला कि मुझे देना। अभी ये वीडियो इसको मम्मी को दिखाऊंगा, ऐसे तो अपलोड कर दूंगा, तुम्हारी मम्मी देखती ही है, देख लेंगी। अब तो तुम फंस गया। अरे मजा, पहले बोलो बोला या नहीं बोला? बोला। चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों बोला फिर? मैं बोला भिंडी का सब्जी होगा, कुछ होगा इस। नहीं नहीं, तुमको पता था मटन है? कसम से। किसका कसम? हेलो भाई लोग, और अभी रात के 10 बज रहा है और मैंने पोजीशन देखा अपना कि मेरा पोजीशन कहाँ है, मतलब मैं किस पोजीशन से हूँ, ड्यूटी लगने के हाल में हूँ या नहीं।
वो 35 पे हैं, पूरा दिन यही सब हुआ है, सोए हैं बस, और 1 बजे जगह, उसके बाद खाना पीना। मेरे को पायलट साहब ने बोला था मटन मटन बना लेना, मेरे को पायलट साहब ने समझाया था मुझे, नाइट ड्यूटी करो तो मटन मटन खाया करो, वो रिफ्रेश रहता है और थोड़ा हेल्थ पे इशू नहीं आता है। मटन मटन भी बना हम लोगों का, सब चीज़ हुआ। और उसके बाद अब टाइम है सोने का, 35 पे है, तो हो सकता है कि रात भर 4-5 बजे तक सोने मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि सुबह सुबह ड्यूटी लग जाए, या ये भी हो सकता है कि 2 बजे तक जगा दें। लेकिन 3-4 घंटे तो सोने मिलेगा, कंफर्म है। और अगली बार ड्यूटी ब्लॉग आने वाला है, कि पर्सनल ब्लॉग हो गया, कि आने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे रूम पर रहते हैं, क्या करते हैं, उन लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ड्यूटी ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइबर चाहिए। मैं सोच रहा हूँ 6-7 महीने में अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाता है मेरा, जो कि 4,000 होने वाला है, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। 10,000 अगर सब्सक्राइबर हो जाता है मेरा दिसंबर तक, अभी टाइम है, बहुत सारा टाइम है, अगर दिसंबर तक हो जाता है तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। और लाइक कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको मैं अच्छे से एकदम थोड़ा अलग तरीके से करने वाला हूँ। तो मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।